हेलो जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महाकरोड़पति से? अभी पबजी खेल रहा हूँ, बाद में करना। हैप्पी होली। हैप्पी होली। क्या मैं आपको थोड़ा सा कलर लगा लूं? नहीं, पहले बताओ कि कहाँ कहाँ लगाओगे। बस थोड़ा सा गाल पे ही लगाऊंगा। फिर अपनी बहन भी लगा ले। चाय पे चलेगी क्या? हाँ चल तो लूंगी, मगर मेरे पैर नहीं जल जाएंगे। वो चाय गर्म होती है ना। अरे भैया एक सिगरेट देना। अरे वाह, इतनी छोटी उम्र में तुम सिगरेट पीते हो भाई। क्या सोचेगी माँ को पता चलेगा? पर खैर मुझे क्या करना, तुम्हारी जिंदगी। ओ भाई सिगरेट के पैसे दो। बाहर निकल, चल बाहर निकल। तूने पूरी बारात पे गाड़ी चला दी। इंस्पेक्टर साहब ब्रेक फेल हो गए थे, एक तरफ दो लोग आ गए और एक तरफ बारात आ गए। बाप बताओ मैं क्या करती। पागल, दो लोगों को मारती कम से कम कम नुकसान होता। वो ही मैंने सोचा, मगर एक तो गाड़ी के नीचे आ गया और एक बारात की तरफ भागा। अबे पागल, तुम भी पागल। ए दवा वाले भैया, कहाँ है? एक देसी दारू दीजिएगा। बक, दवाई के दुकान पे दारू मिलता है? तो दवाई के दुकान पे दारू नहीं मिलता है, तब पेट्रोल पंप पर डीजल काहे बेचते हैं? बच्चे तुझे स्वर्ग मिलेगा, ला दक्षिणा दे। बाबा मैंने दक्षिणा में दिल्ली दी। दिल्ली क्या तेरी है? तो स्वर्ग क्या तेरे बाप का है जो वहाँ पे प्लॉट काटते फिर रहा है? काजल मुझे चुम्मी दे, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ए मैं ना तेरी चुम्मी, मैं भी चलूंगी ऑफिस, मेरे दिल ना लगे तेरे बिगर। काजल पागल तो ना है तू, कौन ने भड़का दी? कोई ने ना भड़काई, चुपचाप ले चल, मुंह तोड़ दूंगी तेरे। दुकान वाले भैया, दुकान वाले भैया। हाँ। डिटॉल साबुन है? हाँ है। अच्छा वाला? हाँ भाई हाँ। अच्छी क्वालिटी का? अरे हाँ भाई हाँ। ठीक है, उससे हाथ धो लीजिए, एक किलो आटा लाइए। हाँ अरे साहेब, इतना बन ठन के किधर जा रहे हो तुम? अरे शांता थोड़ा बाहर जा रहा था। साहेब मास्क तो लगा लो। मास्क? अरे मुझे जरूरत नहीं है मास्क की, मुझे कुछ नहीं होता। साहेब इतना हीरो बनने की जरूरत नको है, बाहर कोरोना है, करीना नहीं। क्या भाई, कोई रूम खाली है क्या? क्यों भाई? भाई 14 फरवरी आ रही है ना। ये बाबा। हाँ भाई, अकेले में बैठ के रोना है। सुनो जी, आप शादीशुदा लोगों से कुछ कहना चाहते हो? एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर घर जल्दी पहुँचोगे तो खाना गरम और बीवी ठंडी मिलेगी, और कहीं घर देर तक पहुँचोगे तो बीवी गरम और खाना ठंडा मिलेगा। यार रात को तेरे घर से बहुत हंसी की आवाज आती है, इस खुशहाल जिंदगी का क्या राज है? कोई खुशहाली नहीं है, बीवी जूता फेंक के मारती है। मुझे लगता है तो वो हंसती है, नहीं लगता है तो मैं हंसता हूँ। सुनो जी। हाँ जी बोलो, क्या बात है? आप खाना ढंग से बनाया करो। अबे यार अब क्या हो गया? आज जो आपने आलू के पराठे बनाए थे ना, उसमें तो आलू बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे। साड़ी तेरे मुंह पे चपेट मारूंगा, जब कश्मीरी पुलाव खाती है तो क्या उसमें कश्मीर नजर आता है साड़ी तेरे? पापा आपने लव मैरिज की है ना? हाँ बेटा, तुझे कैसे पता? क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ और आपकी शादी में सिर्फ 5 महीने का अंतर है। पढ़ तो बाबा, क्या लिखा है पढ़ तो। हाँ लिखा था कि 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, 1 करोड़ रुपया डालो तो डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा लिखा है? ला बाबा ला। अरे मेरे को राजू पे भरोसा है रे, ये ले मेरा 10 लाख। क्या करें यार, घर में पड़े पड़े शरीर में थकान महसूस होने लगी है। तो नदी की चौराहे पे जाके आए, पुलिस की तरफ से मसाज फ्री दी जा रही है। डॉक्टर साहब, आपने जो चिंटू की टट्टी मंगवाई थी टेस्ट के लिए, वो मैं ले आई। ये टट्टी नहीं, ये तो हलवा है। रुको डॉक्टर साहब, एक फोन करने दो। क्यों, क्या हुआ? उनको बताना है कि वो गलत डब्बा लेकर गए हैं लंच में। सुनो जी, बारिश नहीं हो रही है, कुछ करो ना। अबे यार इसमें मैं क्या करूं, ये तो भगवान की मर्जी है, जब होनी होगी तब हो जाएगी। कुछ करो ना प्लीज। अबे साड़ी आसमान से जाके मूंद दूं क्या अब? सुनो जी, बारिश। पापा। हाँ बेटा बोलो। पापा मैं बड़ी हो गई, मेरी शादी करा दो। हाँ सोच तो मैं भी कुछ ऐसा ही रहा था। वैसे बेटा तुम्हें किस तरह का दूल्हा चाहिए? पापा पिंक कलर का।
जानू प्यार कैसे करना चाहिए? चिकन ऐसे पकाओ कि कच्चा ना हो। वाह 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 वाह। चिकन ऐसे पकाओ कि कच्चा ना हो और प्यार ऐसे करो कि बच्चा ना हो। चल तेरे से एक सवाल पूछता हूँ, ये बता वो कौन सी जगह है जहाँ पर औरत और आदमी के घुंघराले बाल होते हैं? हराम खोर, ऐसी बातें करते हो, शर्म नहीं आती? अबे चूतिया की पट्टी, मैं अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे औरत और आदमी के घुंघराले बाल नहीं होते? बेवकूफ गंदी सोच। चल बेबी, अब हमारी शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्या हुआ? कल मैं आपके घर गया था। पापा से बात हुई? नहीं, आपकी बहन से। जोर का झटका। बाबा चिमकांडी की जय हो। जीते रहो बच्चा, क्या परेशानी है? बाबा मेरे पति की नौकरी छूट गई है, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जो करे सब, लेकिन उसका पैसा मुझे आना चाहिए। अरे बच्चा, सुलभ शौचालय खोल ले, करेंगे सब और उसका पैसा तुझे आएगा, तेरा कल्याण होगा। क्या? छी! ये मेरे पिताजी ने दिया है। पिताजी? मेरे पिताजी? तुम्हारे पिताजी की दी हुई सब चीजें बेकार है। क्या मैं भी बेकार हूँ? हाँ, और वो तो एहसान मानो मेरे जैसा इंसान शादी करने के लिए तैयार हो गया। रहने दो रहने दो, एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल रहा था मुझे। तकदीर वाले थे साले, सब बच गए। ऐसे ही दो तीन हफ्ते और घर में बैठी रहूंगी ना, तो इंग्लैंड वाले से ज्यादा गोरी हो जाऊंगी। हाँ देखियो तुम लोग। भाभी जी, चलो भाई के साथ आपकी एक फोटो करती हूँ प्यारी सी। बस बस होगी होगी होगी। आज भगवान जी ने आके सब कुछ क्लियर कर दिया कि लड़कियाँ इतनी प्यारी क्यों होती है और बीवी बनने के बाद खतरनाक क्यों हो जाती है। भगवान जी बोले, अबे सुन, लड़कियां मैं बनाता हूँ और बीवियां तुम बनाते हो, तो तुम्हारी समस्या तुम ही झेलो। मेरे को तो जानू, मुझे ना तुमसे एक चीज उधार में चाहिए, दे दोगी प्लीज? उधार तो दे दूंगी, लेकिन एक देती हूँ तो तीन लेती हूँ, वैसे क्या चाहिए? एक चुम्मा चाहिए। ले उधार ले लिया, तीन ले। जानू मुझे ना तुमसे एक चीज उधार में चाहिए। कल तू ना सूसू कहाँ करी थी? दीवारों पे? अरे दीवारों पर सूसू कौन करता है? मैं करता हूँ। हाँ हाँ, तू ही कर सके ऐसे काम। वैसे ऐसा कोई दिन है या नहीं जिस दिन तू दीवार पर सूसू ना करता हो? तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं, जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे, तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। तुम दिल मांगो दे देंगे, तुम धड़कन मांगो दे देंगे, तुम जिगर मांगो, चाहे तुम जान मांगो वो भी दे देंगे, क्योंकि ये चारों फिल्मों मैंने डाउनलोड करके रखी है। हेलो। हेलो, कस्टमर केयर। हाँ जी बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने एक मैसेज 10 लोग का दौरे एक साथ भेजना हो तो क्यों कर भेजू? क्या मैसेज है? जानू मेरा बैलेंस खत्म हो गया, जल्दी। ए भगवान, 2020 को डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करो, इसमें वायरस है। बिगाए पुराना लोहा डीना प्लास्टिक के जूता चप्पल सीसी बोतल टूटल फूटल बिचारी थ्रेसर ट्रैक्टर टाली चौक जीप मारुति कार गहना गुड़िया घर द्वार मकान दुकान जिला जवार खेत खतियान बकरा बकरी पाड़ा पाड़ी लोटा थारी बेचेगे सरकार। आगल बने चौपट लग जाए साल में एक बार, महीना में दो बार, हफ्ता में तीन बार, पाड़ा के पाड़ी लोटा के थारी जेना बेची कबाड़ी ओकर पोतो हमार के सास के फूटा फारी। महंगा भल साड़ी खुलल बांगन बाड़ी फिर नहीं है चौपट लल कबाड़ी मछली भाभी छोड़ खंडित कर दिया है। मेरे दिल को गहरी चोट पहुंचाई है गोपी ने। डिस्ट्रिक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? जिला। अपनी गर्लफ्रेंड को लेके गया था लाल किला। लोग फ्री में क्या देते हैं? राय। तुम दोनों वहाँ बैठ के पी रहे थे चाय। एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा, तीन तेरा
तीन मेरा बराबर 50-50 बराबर। भैया इन लोगों के 100 का चाय पिला दो। 100 के 20 चाय हुए तो उठ कर कितने हुए? हेलो बेबी। हाय बेबी। चलो कॉफी पे चलते हैं। हाँ बेबी चलो। चलो लेकिन बेबी कॉफी तो बहुत गर्म होती है ना। हाँ तो मैं चलूंगी कैसे मेरे पैर जल गए तो। हम भी पागल। मालिक कोरोना वायरस के वजह से एक तो ज्यादातर दुकान बंद है, ऊपर से हर सामान का भाव भी बढ़ गया। हाँ, क्या जमाना आ गया। एक हमारा जमाना था, एक गेहूं की बोरी 10 रुपए की आती थी। मालिक गेहूं की बोरी तो अब भी 10 रुपए की ही आती है, बस उसमें गेहूं नहीं होता। ए भगवान, 2020 को डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करो, इसमें वायरस है। मालिक चंपक लाल आया वसूली करने। उसको जाके बोल मैं घर पे नहीं हूँ। पर मालिक आप तो झूठ नहीं बोलते। इसीलिए तो तुझे भेज रहा हूँ। Hi, V-Mate friends. Hi guys, मैं हूँ भुवन। And I'm Ashish. I'm सपना। तुझे पता है V-Mate अपने क्रिएटर्स को कितना दे रहे हैं? 100 करोड़। V-Mate अपने क्रिएटर्स के साथ शेयर कर रहा है पूरे 100 करोड़। तो क्या सोच रहे हो? Go and search V-M-A-T-E. V-Mate दे रहा है 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने का मौका। बनिए V-Mate क्रिएटर, शेयर करिए 100 करोड़ रुपए। सर्च V-M-A-T-E. वीडियो शूट करो और पैसे कमाओ। Hello, V-Mate, the most trending short video app. तो देर किस बात की, वीडियो बनाइए पैसा कमाइए। चले हमें भी वीडियो बनाना है। V-M-A-T-E. V-Mate.